श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वह भाग जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय में अर्जुन के लिए थे। महापुरुषों के लिए भी भगवद गीता उनके जीवन का दर्शन रही है। यह ग्रंथ भले ही सालों पुराना हो, लेकिन आज के जीवन में किसी भी समस्या के समाधान और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण में गीता की सीखों का सहारा लिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी बातें, कहो तो पांच ऐसे रहस्य जो हमें भगवद गीता से सीखने चाहिए, और उन्हें सीखने के बाद हम अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। स्वयं का आंकलन। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को स्वयं का आंकलन करना चाहिए। हमें खुद हमसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता, इसीलिए अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां, अपनी बुराइयां, उन सभी चीजों का जो आपकी जिंदगी में काम की है या फिर नहीं काम की, उन सभी चीजों का आलंकन करके खुद में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण। गीता के अनुसार क्रोध भ्रम पैदा करता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह आपका गुस्सा आपको आपके जीवन को प्रभाव कर नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए, खुद को शांत रखने का प्रयास करें और गुस्से को कंट्रोल में रखकर अपने आप को बेहतर बनाइए। मन की माया। गीता में अपने मन पर नियंत्रण करने को बहुत ही अहम माना गया है। मन ही है जो अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो वो आपको विचलित करता है। यही तो कारण है कि आप अपने मन को संभाल नहीं पाते, और इसी कारण जिंदगी में जिन लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, जैसा व्यक्तित्व अपनाना चाहते हो, उनसे दूर होते जाते हो और अपनी जिंदगी को खराब कर देते हो। तो अपने मन पर कंट्रोल करना सीख लीजिए। आत्ममंथन और सोच से निर्माण। गीता कहती है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान ही अहंकार को नष्ट कर सकता है। अहंकार अज्ञानता को बढ़ावा देता है। उत्कर्ष की ओर जाने के लिए आत्ममंथन के साथ ही एक सही और सकारात्मक सोच का निर्माण करना भी जरूरी है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनते चले जाओगे, वैसा ही आप आचरण भी करेंगे। इसीलिए खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही कर लीजिए और अपने आप को ढूंढने की कोशिश कीजिए। फल की इच्छा। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसको फल की प्राप्ति होती है। इसी बात को वर्तमान समय के लिए समझा जाए तो सोचिए कि एक छात्र पढ़ने से ज्यादा तो इस बात को सोच सोच कर घबराता रहता है कि रिजल्ट कैसा आएगा। एक बिजनेसमैन ये बात को सोच कर घबराता है कि मेरा काम कैसा होगा, या फिर बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा। इसीलिए जरूरी है कि वो अपने रिजल्ट की चिंता छोड़कर पढ़ने पर ध्यान दे। लेकिन अगर वे फल की इच्छा में कर्म ही नहीं कर पाएंगे तो फल भी उनकी इच्छा के अनुरूप कभी नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए कि आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। डर के साथ हम कुछ भी नहीं पा सकते। भय और चिंता दो शत्रु हैं जो हमारे सुख और शांति में बाधा बनते हैं। इसीलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन से इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप पर भरोसा करना चाहिए कि मैं
ना तो कभी मरूंगा ना ही मैंने कभी जन्म लिया है।